वेलकम एवरीवन। सो टुडे वी विल सी द डीएलआर सेट ऑफ द सीएल। तो मैंने इसको सोल्व नहीं किया, लेट्स सी हाउ इट इज। आई माइट नॉट बी एबल टू सोल्व इट, बट जैसा भी हुआ आई विल अपलोड द सॉल्यूशन। ठीक है, तो दिस इज अ सेट एंड लेट मी रीड इट। इन द लास्ट थ्री इलेक्शंस हेल्ड इन दिल्ली, इन दिस 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 द टॉप थ्री पॉलिटिकल पार्टीज इन टर्म्स ऑफ द वोट पोल्स अक्रॉस द सिटी। ठीक है, कुछ सिटी में वोट पोलिंग हुई है एंड उसका ये नतीजा है कि जो जो टॉप्स हैं वो दे रखे हैं इन्होंने, है ना, कैप्स। ये द बार ग्राफ बिलो शो द परसेंटेज शेयर ऑफ ईच पार्टी फ्रॉम द कम्युनिटी शेयर ऑफ दीज थ्री पार्टीज कंसीडरिंग देयर सम टू बी 100%। अच्छा, ये 100 है तो ये हमारा हो जाएगा 10 और ये आ जाएगा फिर 10 है ना, ये तो ये 30 एंड ये 60। अच्छा, एक टाइप का रेशियो दे रखा है ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको। देखो यार, मेरा ना वही पहले पूरा सेट पढ़ना चाहिए। ओवरऑल वोट शेयर इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी ओन बाय पार्टी, इट इज ऑल्सो नॉट दैट एटलीस्ट वन मोर पोलिटिकल पार्टी फोट ईच ऑफ द लास्ट एटलीस्ट वन मोर पोलिटिकल पार्टी फोट ईच ऑफ द लास्ट थ्री इलेक्शन। ठीक है, तो बस ये देख लेते हैं यार, 2010 15 एंड 20 है ना। एक पार्टी ए है, एक जे है, एक एन है, ए जे एन। तो ए वाले ने यहां से किया 60, 60 देखो 2010 15 एंड 20 है ना। ए ने 60 किया, इसने किया 30 और इसने किया 10, तो मतलब 6-3-1 का रेशियो है, 6-3-1 का है ना। उसके बाद ये ईयर में क्या है, ए ने किया है, ए ने किया है 60, फिर 6-3-1 का ही फिर है 6-3-1। उसके बाद क्या है, ये कितना है 40, फिर ये है 20 से 60 40 एंड 20, तो 2-2-1 का रेशियो, 2-2-1। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया है ना। तो लेट्स सी क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या है, बाय व्हाट अप्रोक्सीमेट परसेंटेज डिड कैप्स ओवरऑल वोट शेयर, डिड कैप्स ओवरऑल वोट शेयर डिक्रीज फ्रॉम 2015 टू 20, बाय व्हाट अप्रोक्सीमेट परसेंटेज डिड कैप्स ओवरऑल वोट शेयर डिक्रीज फ्रॉम 2015 to 2020 if the SPJ's overall vote share increase from overall vote share। ठीक है, तो लेट्स से कैसे होता है, ओवरऑल वोट शेयर इंक्रीज फ्रॉम 2015 टू 2020 बाय 2015 टू 2020 बाय 15% किसका, सीजेपी का। सीजेपी का ओवरऑल वोट शेयर है जो, ओवरऑल वोट शेयर, वोट शेयर क्या होता है, कम्युनिटिव शेयर ऑफ दीज पार्टीज ओवरऑल वोट शेयर इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, परसेंटेज में तो नहीं होगा। ओवरऑल वोट शेयर मान लो यहाँ पे सीजे वाला क्या 3x, इसको इंटू 1.15 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 23/20 इज इक्वल टू 2y। ठीक है, तो हमारा x और y का रेशियो क्या आ गया, x को मैं इधर लूँगा 20/69 है ना। तो मैं जस्ट ट्राइंग की अगर ऐसे आंसर आता है या नहीं। तो कैप का ओवरऑल वोट शेयर डिक्रीज बताना है 2015 कैप का। ठीक है, कैप का हुआ है डिक्रीज हुआ ना, तो डिक्रीज हुआ मतलब बाद वाला कम है, तो 6x-2y/2y है ना, ये बताना है। तो इसमें वाई से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास आएगा 6x/y-2/2 है ना, इंटू 100 तो हो गई, तो इसको मैं काट के यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई है ना, तो 300 इंटू एक्स बाय वाई क्या है 20/69-100 है ना। तो एक बार कैलकुलेटर से देखते हैं क्या आएगा, अप्रोक्सीमेट पूछा है ना, क्योंकि नहीं तो 69 का ऊपर वो आना चाहिए अगर आंसर सही आ रहा है, तो इसने अप्रोक्सीमेट पूछा है। तो लेट से हम क्या करते हैं, 300 × 20 300 × 20/69 करूंगा तो 86.95-100, नहीं ये तो नहीं बन रहा, ये तो डिक्रीज ही नहीं हो, नहीं 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 सॉरी 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 सॉरी, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 6x। एक सेकंड में दोबारा करते हैं हम, कोई बात नहीं, यहाँ से बस दोबारा करना पड़ेगा, नीचे आएगा 6x। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, x से डिवाइड करूंगा, तो 6-2×69/20 × 6। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ 2 × 69 क्या होता है, 138/20 6.9, ये भी हमारा सही नहीं आ रहा, सही क्यों नहीं आ रहा यार,
इफ एसपीजेज ओवरऑल वोट शेयर इंक्रीज फ्रॉम 2015 टू 2020 बाय 15%, ओवरऑल वोट शेयर इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ एसपी, किसका हुआ यार, सीजेपी का हुआ ना, 3x into 23/20 इज इक्वल टू 2y, x/y आ जाएगा 20/69, सही तो है, 69. एक सेकेंड, 20 दूनी 40, अच्छा 40/69 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 40 आएगा. देखो कई बार क्वेश्चन में ऐसी गलती हो ना, तो तुम एक बार प्रोसेस पे विश्वास रखा करो, ऐसे मत हुआ करो कि यार प्रोसेस गलत है ना, कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक होगी तो वो, जैसे यहाँ पे मिस्टेक हुई है ठीक है, तो अब लेकिन अपने पे वही है कि वो अपने पे विश्वास होना चाहिए है ना, ये एक ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार नहीं, हम थोड़ा बहुत तो सीखा है, हमने पढ़ा है तो हम सही कर रहे होंगे. 2 into 69/40 ठीक है, एंड अब मैं 6 में से माइनस करूंगा, 2.55 डिवाइड बाय 6 ठीक है, into 100 करूंगा, तो 42.5 एग्जैक्ट आ रहा है. ऑप्शन चॉइस हमारी कैंडिडेट भी डिटरमाइन तो नहीं है, 42.5 ये नहीं है, तो 43 आंसर आएगा है ना, अप्रोक्सीमेट 43 आ गया ठीक है. अब सेकंड पढ़ते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2, 3, 4 के लिए देखिए ठीक है, तो मतलब अब क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बनने वाला है ना, तो लेट्स सी क्या इन्फॉर्मेशन है. दिल्ली इलेक्शन 4/4/70, उसको मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक सेकंड, हमारा थोड़ा सा इन्फो ही है ना, 6/6/2/3/3/1/1/1/1, 6/6/2/3/3/2/1/1/1, 6/6/2/3/3/2/1/1/1 AJN, AJN 10, 15, 20 ठीक है. दिल्ली इलेक्शन और 4/4/70 कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स, 3 लाख वोटर कास्ट देयर वोट फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इन ईच ऑफ द 3 गिवन इलेक्शन ठीक है, मतलब हर एक इलेक्शन में 70 सीट है और 3 लाख वोटर्स है ना, मेनली इसने यही बोला है. उसके बाद इसने बोला है That were contested by not more than 5 political parties. ठीक है, एक बार इसको हम समझने की ट्राई कर रहे हैं कि 70 70 तो सीट्स हैं और पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो फेसेस हैं वो 5 है, 5 से ज्यादा नहीं है ठीक है, इतना तो हमें समझ आ गया, ये हमारे जनरल इलेक्शंस टाइप ही है. इट इज ऑल्सो नोन दैट कम्युनिटी वोट शेयर ऑफ द टॉप 3 पार्टीज वॉज 85% ऑफ द टोटल वोट इन 2010 ठीक है, तो काफी काफी ईजी है. एक सेकेंड, तो इट इज ऑल्सो नोन दैट दिस ठीक है, इन 2010 ठीक है, 2010 में हमारा टोटल शेयर है 10x, इसको एक्स 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 मान लेंगे, तो 10x इज इक्वल टू 85%, इसको 100% बनाने के लिए हम 100/85 करेंगे, 8 दूनी 16 1 17 1 20, तो मतलब टोटल है हमारा 200x/17 है ना, तो अब इन्होंने ले रखा है -10x है ना, तो जो बच गया वो है 30x/17, ये बाकी पार्टी जो 2 पार्टीज रह गई उनका ले रखा है ठीक है. इफ द ओवरऑल वोट शेयर ऑफ, ये सारी इन्फॉर्मेशन कॉमन रहेगी क्योंकि यहाँ से यहाँ वाली इन्फॉर्मेशन कॉमन है ना, 3, 2, 3, 4 के लिए क्वेश्चंस के लिए है ना ठीक है, एंड टोटल है हमारा 200x/7. इफ द ओवरऑल वोट शेयर ऑफ दीज 3 पार्टीज इंक्रीज बाय 8% फ्रॉम दिस टू दिस ठीक है, ओवरऑल वोट शेयर ठीक है, तो 10x 8% का इंक्रीज लगाएंगे तो 20 बटा नहीं 108/100 करेंगे, तो ये 10, ये आ गया, ये 10 आ गया नीचे, तो 1.08x, कुछ गलती हुई है, कुछ तो गलती हुई है, देखो 10x into 1.08 है ना इज इक्वल टू यहाँ कितना, 639/10y ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 10.8x इज इक्वल टू 10y, तो y एक टाइम के लिए हम ले लेंगे 1.08x के बराबर ठीक है. व्हाट कुड बी द मैक्सिमम वोट शेयर ऑब्टेन्ड बाय द फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी इन 2015 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो इसको मैं चेंज करूंगा, y की जगह 1.08 लिखूंगा ठीक है, तो into 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6.48 6.48x,
यहाँ पे आ जाएगा 3.24x एंड 1.08x, ठीक है। तो ये बढ़ा है, मतलब पहले उसका इतना इतना था, अब इतना इतना, ठीक है। टोटल शेयर तो आई थिंक सेम रहेगा, टोटल शेयर हमारा 200x/17 रहेगा, है ना। तो 200x/17 में से अगर मैं माइनस करूंगा, 200/17 है 11.76 वाला, उनमें से माइनस करो, -6.48। देखो 200/17 -6.48 -3.24 -1.08, ठीक है। तो मेरे पास आ गया 0.9647 कुछ करके, है ना। तो बाकी रह गया जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, 0.9647x, है ना। व्हाट कुड बी द मैक्सिमम वोट शेयर ऑब्टेंड बाय द फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी? तो फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी को हम दे सकते हैं 0.96, पूरे का पूरा दे सकते हैं। तो इसको मैं डिवाइड करके देखता हूँ, डिवाइड बाय 2 से, है ना। 0.964 को हम करेंगे, पूरा है 200x/17, है ना। तो इसको मैं डिवाइड करूंगा उससे, तो आ जाएगा डिवाइड बाय 200 × 17। 0.96 कितना था, 47 डिवाइड 0.9647 डिवाइड बाय 200 × 17 एंड इंटू करूंगा मैं 100 से, तो 8.199 आ रहा है। तो आई वुड गो विद 8.2%। काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैक्सिमम ये आ जाएगा, क्योंकि टोटल तो सेम रहेगा, उसने पहले बोल ही दिया, है ना। तो दैट मस्ट बी द आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बता देना मुझे ये आंसर सही है गलत है, जो भी है, ठीक है। तो अब ये कहानी क्वेश्चंस की खत्म हो गई, और 8% इंक्रीज वाला भी खत्म हो गया, है ना। तो हम इसको भी इरेज कर देंगे, मतलब ये 6 ही रहेगा एंड नए क्वेश्चंस के लिए ना। तो ये रहेगा हमारा, ठीक है। और हमारा 200x/17 टोटल है, 30x/17 हमें डिवाइड करने वाला रह गया पहले वाले में, ठीक है। तो क्योंकि ये तो कॉमन रहेगी इंफॉर्मेशन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 2015 सीजेपी पार्टी वन 285% ऑफ द टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। 2015 में कुछ चमत्कार हुआ, और 2015 में सीजेपी पार्टी है जो, उसको 1/7 नहीं, 2/7 है ना, 2/7 मतलब 70 सीट है, तो 20 सीट वो जीत गई। सॉरी, जय माता दी। कैप 150% मोर देन दैट बाय सीजेपी, ठीक है। 50% मोर, दैट इज 30 कैप ने जीत ली, 30, 20, 50, और जो आई जो एन पार्टी थी उसने जीत ली 20। एंड सीएनसी वॉन, नहीं, सीएनसी वॉन 50% वॉन बाय कैप, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15, हाँ, क्योंकि बाकी जो दो पार्टीज हैं छोटी वाली, वो भी तो कुछ जीत सकती है ना। तो ये देखो, 30, 20, 50 और 15, 65, तो 5 सीट है जो बाकी इधर में डिवाइड, है ना। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी वोन बाय द फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी। मिनिमम, ठीक है, बाय द फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी। तो फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी यार, 5 सीट डिवाइड करनी है, मतलब या तो आ जाएगी 1, 4, 3, 3, ऐसे ऐसे, है ना, या 3, 2, ठीक है। तो 4-1 में तो 4 होगी फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी, ये तो नहीं हो सकता। 3-2 ही होनी चाहिए मेरे हिसाब से, और 3 वुड बी द आंसर, क्योंकि 3 हमें फोर्थ लार्जेस्ट दे देगी, तो 3 शुड बी द आंसर, ठीक है। हाँ, यही होना चाहिए। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। कम्युनिटी वोट शेयर ऑफ द टॉप 3 पार्टीज फॉर 2015 2019 टोटल पोस्ट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फॉर द 15 एंड 20, ठीक है। अब देखो, जो हमारा 10 में टोटल था वो था 200x/17, ठीक है। अब 15 में क्या है, 10/9 × 6 + 3 9, 1 10, 10y, है ना। तो 10y, तो मतलब 100y/9, ठीक है। एंड 20 में क्या है, 100 20/19 हो जाएगा, और टोटल क्या है, 2 2 4 1 5, 5x को 5z लिख लेता हूं मैं ना, तो 100z/19 टोटल है ना। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टोटल वोट्स दैट द फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी दैट कुड हैव ऑब्टेन्ड इन द लास्ट 3 इलेक्शंस कंबाइंड, गिवन दैट फॉर ईच इलेक्शन इट्स परसेंटेज वोट शेयर वाज एन इंटीजर। अच्छा, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। चौथी पार्टी को
कितने ज्यादा वोट्स आ सकते हैं, परसेंट में निकालना है। मैक्सिमम, अच्छा परसेंटेज वोट शेयर इंटीजर भी होने चाहिए। तो देखो इसमें से 10x, इसमें से बचा कितना था लास्ट थ्री इलेक्शन, मतलब तीनों में देखना, 30x/17 बचा था। इसमें कितना बचेगा जब उन्होंने 6 दुनी 10, 10y 90, तो इसमें बचेगा 10y/9 और इसमें बचेगा 5z/19। ये बचे बचे पे कॉन्सेंट्रेट करना है हमें ना, क्योंकि इसमें से डिवाइड करना है कुछ, और कुछ इसमें से डिवाइड करना है, एंड कुछ इसमें से डिवाइड करना है। ठीक है, तो पहले मैं एक बार x17 ले रहा हूँ, क्योंकि परसेंटेज है कुछ भी ले लो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसमें वाई को 9 ले रहा हूँ एंड इसमें ले रहा हूं मैं जेड को 19। ठीक है, तो पहले में मतलब 200 टोटल था और बचा है बांटने वाला 30। अब दूसरे में क्या है, 100 टोटल था और बचा है बांटने वाला 10, और तीसरे में 19 टोटल कितना था, 100 टोटल हो गया और बचा है 5 बांटने वाला, है ना। तो मैं अगर पहले में 30 का 30 पूरा दे देता हूँ, 30 का 30 अगर पूरा देता हूँ, कितना परसेंट हो गया वो, 30/200 15% हो गया ना, 15% दे सकता हूँ शायद। तो 30+10 भी दे सकता हूँ, +5 भी दे सकता हूँ, ये तो इजी बन गया क्वेश्चन शायद। तो 45 बटा, बड़े मैक्सिमम टोटल, ठीक है। तो पहले में क्या था हमारा, 200 थे, फिर 100 थे, फिर 100 थे, तो 400 में से 45 आ गया ना। तो 45/, नहीं ये तो लैक्स में आ रहा है, परसेंटेज नहीं है, लैक्स है, लैक्स है। अच्छा 3 लाख वोटर्स हैं, 3 लाख वोटर्स हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। तो बेसिकली यहाँ ठीक है, 3 लाख वोटर है हर में, तो यहाँ पे 200 जब वोटर है तो 30 इसको जाएगा, ठीक है ना। तो जब 3 लाख हैं, जब 3 लाख वोटर हैं, तो हम ऐसे डिवाइड बाय 200 × 300 करूंगा, तो पहले केस में तो आ जाएगा 45,000 आ जाएगा पहले में, आ जाएगा 45,000। एक बार मैं देख रहा हूँ, दूसरे में अगर 100 है तो आ जाएगा 10, 30 हजार। तीसरे में आएगा 5, 15 हजार, 15,000 + 45, ये तो लैक्स में आ रहा है, लैक्स में कैसे हो सकता है। 3 लाख वोट का हाजिर वोट फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इन, अच्छा फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है ठीक है। तो मतलब 3 लाख नहीं आएगा, ठीक है समझ गया, फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, देखो फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी 3 लाख है, ठीक है। 3 लाख एक में है तो टोटल कितना हो जाएगा, 70 तिका, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 लाख है तो 210 लाख। अब पहले केस में अगर 200 वोटर होते तो 30 जाते, लेकिन 210 लाख वोटर हैं, तो आई वुड डिवाइड 210 लाख/200 × 30, तो पहले में तो ये आ जाएगा 31,50,000, 31,50,000, बड़ा सा आंसर आ रहा है, तो शायद ऐसा आना चाहिए। फिर आ जाएगा 210 लैक्स/100 × 10, तो 21 लैक्स यहाँ पे आ गया। फिर आ जाएगा 210 बाय 110 बाय 100 × 5, तो 10.5 यहाँ पे आ गया। तो लेट्स सी, 0, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 5, 1, 6, यार ये मेरा 63 लैक्स आ रहा है, तो 63 आंसर हो सकता है। तो आई वुड गो विद 63 फॉर ईच इलेक्शन, इट्स परसेंटेज शेयर, तो सही है, परसेंटेज शेयर में आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो आई वुड गो विद 63। अगर कोई आंसर गलत हो तो मुझे आप प्लीज बता देना, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं।